मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी में अयोध्या को विकसित करने को लेकर जल निगम द्वारा सीवर लाइन चैम्बर बनाए जाने को लेकर लगभग 20 दिनों से गड्ढा खोदकर कार्य करने का काम चल रहा है। इसी कड़ी में जल निगम की एक बड़ी लापरवाही सामने नजर आई है, जहां जल निगम की ओर से की जा रही खुदाई के कारण कई गरीबों के मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं, जिसके कारण लोग टेंट के नीचे रहने को मजबूर हैं। मामला अयोध्या कोतवाली नगर क्षेत्र के कनीगंज मोहल्ले का है, जहां पर सीवर लाइन डालने के लिए जल निगम की ओर से पिछले एक माह खुदाई का काम चल रहा था। नतीजा यह हुआ कि खुदाई के दौरान पाइपलाइन फट गई, जिसके कारण कई घरों के मकान की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि जल निगम की इस प्रकार की लापरवाही से उनको काफी नुकसान हुआ है। यही नहीं, पीड़ितों ने जिला प्रशासन पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए कहा कि मना करने के बाद भी मकान की नींव के पास खुदाई की जा रही थी, जिसके कारण आज यह घटना हुई। घटना की सूचना पर पहुंचे महापौर इसके उपाध्याय ने घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने पीड़ितों को न्याय दिलाने का आश्वासन दिलाते हुए कहा कि उक्त मामले में जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जल निगम के अशासी अभियंता सुनील सिंह ने कहा कि जो मुआवजा होगा दिया जाएगा, फिलहाल कार्य को रोक दिया गया है। गौर करने वाली बात यह है कि यदि समय रहते प्रशासन ने पीड़ितों की शिकायत पर ध्यान दिया होता तो आज इस तरह की घटना सामने न आती। नगर निगम के जिम्मेदारों ने पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने का आश्वासन तो दे दिया है, पर अब देखना यह है, दिलचस्प होगा कि नगर निगम के जिम्मेदारों की कथनी और करनी में कितना अंतर होता है। कहीं न कहीं मोहल्ले वालों को डर है कि इनके जाने के बाद हमको न्याय न मिल पावे। अभी फोन गया, मैं यहाँ तुरंत पहुँचा हूँ। जल निगम के एक्सीएन को मैंने बुलाया है और जिलाधिकारी महोदय से बात हुई। जो भी इसके दोषी हैं इनके खिलाफ कार्रवाई कराए जाएंगे, और जिन गरीब का मकान गिर रहा है इनको जिसकी भी ये जिम्मेदारी उसको तय करेंगे। इन्हीं लोगों द्वारा इनका घर बनवाया जाएगा। क्या मानक है इसका यहाँ पर जो खुदाई हो रही है? अभी मानक तो इंजीनियर ही बताएंगे इसमें क्या मानक है, कितनी गहराई है, लेकिन जो भी अनियमितता हुई है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और इन लोगों की भरपाई कराई जाएगी। जिस तरह से यहाँ पर यह सड़क ढह गई है और मकान ढहने वाला है, इसमें क्या करेगा आपका नगर निगम? मैं तो खड़ा हूँ, इनका भरपूर जो भी मदद होगा उसको कराएंगे और इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। क्या नाम है तुम्हारा? जितेंद्र साहू। कहाँ रहते हो? कनीगंज विद्यागंज चौराहे से। पहले क्या हुआ यहाँ पर गड्ढा खुदाई हो रही थी, इसमें क्या हुआ? लाइन खोद रहे थे और इन लोगों ने जांच भी नहीं किया इधर से कौन सी पाइप गई है कौन सी नहीं। उसके बाद ये लोग कम से कम 23 फुट गहरा गड्ढा खोद कर आज 20 दिन से छोड़ दिए हैं, और इसमें लगातार पानी निकाल रहे हैं। और उसके बाद वाटर सप्लाई गई थी और वो पाइप फट गया, उसके कारण हमारा मकान ढह गया है। महापौर जी भी आए हुए हैं। तो महापौर जी यहाँ पर आए हैं, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा है कि जो जल निगम और ये जो इनके ठेकेदार हैं उनसे भरपाई कराई जाएगी। तो आप संतुष्ट हैं? अब संतुष्ट हैं, पहली लिखा पढ़ी में कुछ हो जाए तब। अब आज कोई कह के जाए चार दिन बाद वो उसको वैसे जुड़वा दे तो हमारा मकान फिर चार दिन बाद गिर जाएगा। ऐसे कितनों का नुकसान हुआ है अभी तक? काफी लोगों का हुआ है लमसम। अभी यहाँ जिस खुदाई चल रही है तो इसमें आपका मकान ढह गया? हमारा मकान भी ढह गया है। क्या नाम आपका है? संगीता यादव। पिता क्या नाम है? श्री राम किशोर यादव। तो ये जो खुदाई चल रही है कब से चल रही थी? ये खुदाई लगभग होते एक महीना हो गया। और तीन चार दिन से तो लगातार पानी निकाला जा रहा था और पाइप फट गई वाटर सप्लाई की, जिसकी वजह से पानी भर गया पूरा और जो है मकान जमीन पहले सड़क गई और मकान ढह गया। क्या लगता है कितना नुकसान हुआ आपका? काफी नुकसान हुआ है, अभी तो अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन हमारा घर खाली हाथ में एक छोटा सा मोबाइल लेके देखिए निकले हैं और सारा सामान हमारा घर के अंदर है, एक पैसा मेरे हाथ में नहीं है। अभी यहाँ पर महापौर जी आए थे, उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? उन्होंने बस आश्वासन तो दिया है, लेकिन अब कार्रवाई अगर हो तो आश्वासन सही है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे? क्या करेंगे अगर नहीं होता है कुछ? जिसको जैसा काम रुकवा दिया गया था 2 साल पहले, बाद में हम लोगों ने इसको टेंसेस के द्वारा करने का निर्णय लिया था। टेंसेस द्वारा हम लोग कर रहे थे, पीठ हमारी खुद चुकी थी और हम लोग उसकी पुशिंग चालू करने वाले थे सीवर लाइन की, लेकिन रात में पाइपलाइन फट जाने के कारण, पाइपलाइन घर के बगल में था, पाइपलाइन फटने से बीम के नीचे जो बीम की मिट्टी थी वो निकलने के कारण वहाँ पर उनका बीम कर रखा गया था। फिलहाल हम लोगों ने वहाँ पे बालू वालू भरवा के उसको सही कराएंगे और उसके बाद जब सब सही हो जाएगा उसके बाद हम लोग कार्य प्रारंभ कराएंगे। ये कार्य मतलब कब से शुरू हो गया था आपने, समाप्ति कब करेंगे इसकी आप? ये कार्य तो लंबा रहता है क्योंकि इसमें क्या क्या कौन सा कार्य है ये? इसमें सीवर लाइन डालने का काम चल रहा है। कहाँ से कहाँ तक? कहाँ से कहाँ तक? आपने जहाँ देखा है वहीं से स्टार्ट किया। अच्छा, क्या मानक गड्ढे खुदाई का क्या मानक है जी? क्या मानक है गड्ढे खुदाई का? गड्ढे की खुदाई का सच कोई ऐसा मानक नहीं है, हम लोग इसको टेंसेस से कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने यहाँ बैरिकेटिंग वगैरह भी लगाई हुई थी MS की, तो उसमें सुरक्षा के वहाँ पे व्यवस्था थी, लेकिन लीकेज के कारण ही जो भी उत्पन्न हुआ है।
कितने लोग काम कर रहे हैं इसमें आपके? इसमें हमारे 10-15 लेबर हैं, डे नाइट शिफ्ट में काम करते हैं ये लोग पुशिंग का। यहाँ से 30-40 मीटर पुश करने के बाद दूसरी जगह पीट बनाते हैं, फिर वहाँ से पुश करके अगला नेक्स्ट मैनुअल बनाते हैं। क्या लक्ष्य आपका है? फिलहाल तो अभी हम इसको काम बंद करा रहे हैं। अयोध्या जनपद के देवकाली स्थित पार्वती लान में भाजपा विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने गरीब व असहाय लोगों को कंबल वितरण किया, तो वहीं दूसरी ओर खिचड़ी भोज का भी आयोजन किया गया। कंबल वितरण व भोज में भारी संख्या में भाजपा नेताओं व पदाधिकारियों ने शिरकत की। इस दौरान भाजपा विधायक ने कहा कि प्रदेश की योगी सरकार गरीबों असहाय लोगों की सेवा के लिए कृत संकल्पित है। उन्होंने कहा, भाजपा सरकार हमेशा से ही सबका साथ सबका विश्वास व सबका विश्वास के साथ ही सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को हर तबके के निचले हिस्से तक पहुंचाएगी, ताकि लोग उन योजनाओं का लाभ ले सके। नगर विधायक ने CAA एवं NRC को लेकर भी लोगों को जागरूक किया। उन्होंने कहा, CAA की किसी की नागरिकता छीनने के लिए नहीं बल्कि नागरिकता देने के लिए, ऐसे में लोग किसी के बहकावे में न आवे और किसी भी अफवाहों पर ध्यान न दें। आज पार्वती लोन अयोध्या नगर में देखो नहीं होगा, गरीब की सेवा भगवान की सेवा ये मूल मंत्र है हमारा भी, पार्टी का भी, माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, और मुख्यमंत्री का ये निर्देश था कि जनप्रतिनिधियों अलाव वो कंबल का वितरण करना चाहिए। हम लोग लगातार इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, अभी ग्रामीण क्षेत्र में भी कमजोर और ऐसे लोग हैं, उन लोगों को आज हमारी महिला विंग की अध्यक्षा और उन लोगों ने महिलाओं को, बच्चों को और सबको ले गया है। करीब 1000 से 1200 लोग करीब करीब यहाँ मौजूद हैं। कंबल वितरण देखिए, कम से कम 5000 कंबल तो मैंने बांटे हैं, और आगे भी जैसी प्रभु की इच्छाओं की प्रयास है कि और भी इस तरह कार्यक्रम में ठंडक रहती है तो हम लोग बांटने का काम करेंगे। और कंबल बांटने के साथ साथ हम लोगों ने सहभोज का कार्यक्रम भी रखा है कार्यकर्ताओं के साथ में, उन लोगों के साथ में जो कंबल लेने आए हैं उन लोगों को भोजन भी कराएं, और साथ में अपने कार्यकर्ताओं को जिनके माध्यम से वो लोग आए उनके साथ हम लोग बैठकर सहभोज के माध्यम से हम लोग अपने कार्यकर्ताओं के बीच में आपस में प्रेम और सद्भाव बनाएं, उद्देश्य इस कार्यक्रम का यही है। क्या संदेश करते हैं आप? संदेश इतना देता है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार प्रदेश में और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सरकार केंद्र में गरीबों के लिए, कमजोरों के लिए, दलितों के लिए, शोषितों के लिए समर्पित सरकार है। और हम लोग पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि आखिरी छोर पर, आखिरी लाइन पर जो खड़ा हुआ गरीब शोषित व्यक्ति है उस तक योजनाओं का लाभ पहुंचे और हम उसका जीवन स्तर उठा सकें। हम लोग उसी मूल मंत्र पर काम कर रही है हमारी केंद्र की। ये जो विरोधी दल है इनके पास कोई इशू पड़ा ही नहीं है, ये लोग इसलिए परेशान है कि लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 3 महीने के अंदर दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद में 3 तलाक का फैसला लिया, इसको समाप्त किया, धारा 370 हटाकर कश्मीर को आजाद करने का काम किया पुनः, और कश्मीर के लोगों को विकास की धारा में शामिल करने का काम किया। उसके बाद राम जन्मभूमि का फैसला आया, इस देश की जनता ने, इस प्रदेश की जनता ने, अयोध्या की जनता ने जिस सौहार्दपूर्ण वातावरण में इस फैसले को स्वीकार किया और आपस में मिल बैठ कर ये तय किया कि हम लोग राम मंदिर बनाएंगे, ये उन लोगों के पेट में फंस गया है, परेशान है, तो अब उनको कुछ और नहीं मिला तो CAA को लेकर आज नाटक कर रहे हैं। CAA का मतलब कुछ नहीं है, आज हम नागरिक काम कर रहे हैं, हमने नागरिकता किसी की लेनी थोड़ी है, तो वो किस बात का आंदोलन कर रहे हैं? जैसे लोगों को जानकारी नहीं, हम लोग प्रयास कर रहे हैं तो उस जानकारी को विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से समाज के उन सब वर्गों में जिनको वो उकसाने का और भड़काने का काम कर रहे हैं, हम लोग उनके बीच में जाकर उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि CAA से कहीं किसी का नुकसान नहीं है, सबका लाभ है, और ये आवश्यकता निश्चित रूप से लोग हम इस बात को एहसास कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उनसे गलती हुई है, भड़काने का उन लोगों ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो लोग अफसोस कर रहे हैं। कितने कार्यक्रम होंगे? चल रहे हैं, घूमने भी चल रही है, यहाँ पर इसको लेकर हम लोगों ने निर्णय किया और पूरे प्रदेश में हर जिले के अंदर हम लोग आए दिन आज आज यहाँ पर बनाते हैं, उस
उन लोगों को जिनको वो भड़काने का काम कर रहे हैं, उन लोगों के बीच जाकर जागृत करने का काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये एकदम ठीक है। और अयोध्या जनपद के सिविल लाइन में समाजवादी पार्टी दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने कहा कि जेएनयू प्रकरण में छात्रों के बीच पहुंची दीपिका पादुकोण को लेकर फिल्म छपाक पर उठे सब बवाल पर दिव्यांग सपा नेता पंडित समरजीत ने कहा कि दीपिका पादुकोण को देशद्रोही बताने वाले छपाक फिल्म का जो बहिष्कार करने वाले हैं, वह यह भूल गए कि तेजाब पीड़ित बहनों को सपा मुखिया अखिलेश भैया ने अपने समय में सम्मान देने का कार्य किया था तथा समाज के साथ जीने का भी सम्मान दिलाया था। मैं तो कहता हूँ कि तुम जिसका बहिष्कार करोगे, मैं उसको खरा सोना बनाकर दिखलाऊंगा। आज समाज में गरीबों मजलूमों की मदद करने की जगह समाज के बीच कुठार घात करके आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है और समाज के लिए संघर्ष करने वालों को देशद्रोही बताने का काम किया जा रहा है, किंतु आज सारा समाज सब कुछ जान चुका है और हमारा ही समाज 2022 के चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। देखिए जेलों में दीपिका जी गई तो आज उनको देशद्रोही बता दिया गया और एक दिन उन्हीं का बखान किया जा रहा था। ये जो हमारे बहने तेजाब की वजह से उकरी गई थी, आज उसी के ऊपर जो फिल्म बनी है छपाक, आज उसी का विरोध जो कर रहे हैं, हम यही बताना चाहते हैं कि तुम जिसका विरोध करोगे हम उसको सोना बना के दिखलाएंगे। और जो आज विरोध कर रहे उसी उद्देश्य को लेकर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश भैया ने पूरा हाल बुक करा दिया है, हर जगह टिकट बांटे जा रहे हैं। और हम यही कहेंगे कि जो हमारे बहनों के ऊपर तेजाब डालकर जलाई गई थी और पड़े समाज में वो अलग तरीके से अपना जीवन दुख में व्यतीत कर रही है, हमारे सपा सरकार में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनको सम्मानित करने का काम किया था और पूरे समाज में सम्मान से जीने का हक दिया था, आज उन्हीं का विरोध हो रहा है। हम तो यही कहेंगे कि आप जितना विरोध करोगे हम उस चीज को हरा सोना बना के समाज के सामने दिखाने का काम करेंगे। क्या संदेश चाहते हैं? हम यही संदेश देना चाहते हैं कि जो गरीब असहाय या जो सताए हुए हैं, जिनमें परेशानी है, उनके आवाज को कभी आप दबाने का काम न करें, उनका विरोध न करें। और आप अगर अत्याचारियों का सहयोग करने का काम करेंगे तो हम समाज के लिए पूरी लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। क्या नाम आपका?